प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा स्टाइल मेरा दिल मेरा दुश्मन के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जफ़र मायरा को अपनी बीवी होने के सारे हकूक दे रहा है। अब की बार तो उसने घर का सारा खर्चा मायरा के हाथ में रख दिया। इसीलिए तो परवीन बेगम को ये बात हजम नहीं हो रही। अब वो आते जाते मायरा पर अपना जहर उगलती हैं। जब काम इससे भी ना बना तो वह कहती हैं, तुमने छोटी उम्र की लड़की से शादी इसलिए की थी ना कि तुम्हें एक बेटे की ख्वाहिश थी। ऐसा ना हो कि ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल में रह जाए और तुम्हारी जवान बीवी बांझ निकले। अब ज़रूर जफ़र को भी चाहिए कि वो इसको मुंह तोड़ जवाब दे, मगर परवीन बेगम ये नहीं जानती कि उसके मुंह से निकला हुआ ये जहर मायरा और जफ़र के रिश्ते को और भी मजबूत कर रहा है। फिर जब परवीन बेगम अपनी बेटी एमन से मिलने उसके घर जाती है तो वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, बाबा से कहें कि मुझे माफ़ी दिलवा दें और अपने घर मुझे वापस ले जाएं। उधर शाहिना भी अपने अंजाम तक पहुँच रही है, उसे ये घर अब काटने को दौड़ता है। वो घर की अब हर चीज़ से खौफ ज़्यादा होने लगी है। तभी वो पानी में तावीज़ डाल कर रखती है। जब जावेद पानी की बोतल को देखता है तो उस पर गुस्सा करता है। बाद जब अपने पेट भरने की आए तो वो मायरा को कॉल करके कहती है, अरे घर में जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तुम्हारा भाई ना रोज़ धक्के खाता है। मगर अब ये मायरा वो मायरा नहीं जिसे शाहिना जो मर्जी कह देती थी और वो खामोश रहती थी। मायरा अब अपनी भाभी से कहती है, आइंदा मुझसे उलझने की ज़रूरत मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपको मुंह की खानी पड़े। मेरा आपसे ना कोई रिश्ता था और ना ही कोई ताल्लुक़, अब सभी अपनी ज़िंदगी में सेट हैं। शामीर आयशा को तहे दिल से कबूल कर चुका है, तो इधर जफ़र भी मायरा को। पर व्यूवर्स, आपके ख्याल में क्या शामिर और मायरा के ताल्लुक़ की बात किसी के सामने आएगी? व्यूवर्स, इस ड्रामे में अब यही दिखाया जाएगा कि शाहिना जिसके साथ मायरा ने बदतमीज़ी की और वो बदतमीज़ी अब मायरा को भारी पड़ेगी और शाहिना उससे कहेगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसा बात करने वाली, और वह सारी हकीकत जफ़र को बता देगी। और जब जफ़र को पता चलेगा तो वह मायरा को बुरे तरीके से मारेगा और गन ले आएगा जो कि मायरा पर तान देगा। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शामिर और मायरा अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।